शिक्षक कला व साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के बैनर तले दो दिवसीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन दुर्ग के खालसा स्कूल में हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ आए हुए 18 जिलों के शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। शिक्षक कला व साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर साहित्य एकेडमी द्वारा शिक्षा महोत्सव के आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रदेश भर के 18 जिलों से आए शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ी फैशन शो, नारी शक्ति प्रतिभा सम्मान में चयनित शिक्षकों को सम्मान दिया गया, साथ ही सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दूसरे दिन वेयर हाउस कॉरपोरेशन अध्यक्ष जहर विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कोरिया जिले से आए शिक्षकों के दल ने मंच पर शानदार छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर शिक्षक कला व साहित्य अकेडमी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी डॉक्टर शिव नारायण दिवांगन कौशलेंद्र पटेल ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये शिक्षक कला साहित्य अकादमी द्वारा ये दो दिवसीय प्रांतीय शिक्षा महोत्सव का आयोजन है और इसका उद्देश्य हमारे शिक्षकों और छात्रों के जो है प्रतिभाओं को सामने लाने का है और इसमें हमने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। पहले दिन में हमने रंगोली प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे जिले के हर एक जिले के अलग अलग गतिविधियाँ भी यहाँ प्रस्तुत हुई। छत्तीसगढ़ी परिवेश पर फैशन शो हुआ और रात को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, एक दिवसीय कार्यक्रम जिसमें भोजन वगैरह सभी का व्यवस्था था। आज जो द्वितीय दिवस का कार्यक्रम है जिसमें हमारा आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बहुत सारे सम्मान समारोह है, जैसे नारी प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, 21 और 22 का जो कोरोना काल कारण से हम लोग नहीं कर पाए थे, जिसको इस कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। साथ ही बालिका प्रतिभा सम्मान, उत्कृष्ट योगदान सम्मान, सहयोगी सम्मान, कर्मवीर सम्मान और हमने ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा काव्य धारा का आयोजन किया गया था, जिसमें फाइनल में हमारे प्रमोद आदित्य जी जहांगीर के उसमें फाइनल में जीते और उसको हमने स्वर्गीय महेंद्र देवांगन माटी स्मृति सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किए गए, उनको भी सम्मानित किए। हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय सूरज शिवाजी को हमने महारथी सम्मान, शिक्षा महारथी सम्मान से सम्मानित किए और हमारे इस कार्यक्रम के योद्धाओं को आज हम लोग कर्मवीर सम्मान सम्मानित करने जा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे सभी उपस्थित सभी को सहभागिता प्रमाण पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर शिक्षक हम सब शिक्षक एक बच्चों को दिखाने के लिए हमेशा दिन रात एक करते हैं और अपनी प्रतिभा दबाए रख रहते हैं, उसको हम एक मंच के द्वारा अपनी प्रतिभाओं को भी हम प्रकट कर सके तो इसलिए ये मंच बना है और इसके कारण हमने शिक्षकों के प्रतिभाओं को भी उभारने का प्रयास किया है और देख रहे हैं हम इससे हमें बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्रतिभावान हैं, जो उसमें दबके रह गए थे अपने जीवन में, अपने प्रस्तुति देते स्कूल में उसके बाद रह जाते थे, वो आज बहुत ही अच्छे प्रस्तुति है, कई कवि बहुत अच्छे लिखना सीख गया है, बहुत अच्छे प्रस्तुति दे रहे, नृत्य करना सीख गया है, हर विधा में अपना अपना क्षेत्र बना चुके हैं। मैं डॉक्टर शिव नारायण देवांगन, संस्थापक संयोजक शिक्षक कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़। इसमें हमारे 18 जिलों का गठन हुआ है तो 18 जिलों में से सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी प्रस्तुति और अपने ज़िले की जो गतिविधियाँ हैं शिक्षा महोत्सव के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। हमारी संस्था का उद्देश्य है शिक्षकों को वृंदों और विद्यार्थी की बहु सर्वांगीण विकास करना, ये हमारी एक बहुआयामी संस्था है और साथ में हमने विद्यार्थियों के लिए एक प्रकोष्ठ गठन किया है, विद्यार्थी कल्याण कोष, जिसमें अति गरीब बच्चों को जो निर्धन है हर प्रकार से उनको हम आर्थिक सहायता या जो भी जिस सहायता चाहे पुस्तक हो चाहे एडमिशन से लेकर वो भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं और पूरे लगभग इस ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। हमने सर्वप्रथम हमारा प्रथम अधिवेशन 8 मार्च 2020 को छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट में हुआ था, उसके पश्चात कोरोना कोविड महामारी के बाद आज हम लोग
यह ऑफलाइन का कार्यक्रम हुआ है जो कि बहुत ही सार्थक रहा। प्रथम दिवस हमारे सांसद विजय बघेल जी का आगमन भी हुआ था और द्वितीय दिवस भी हमारे अरुण वीर जी का आगमन भी हुआ, साथ में हमारे कुल सचिव खरे जी भी का आगमन हुआ है, देशधर सर जी का आगमन हुआ और हमारे जितने भी प्रांतीय पदाधिकारी हैं डॉक्टर शिवनारायण देवगन जी का आज के संयोजक में बहुत ही कर्मठ और निष्ठा रूप से कार्य कर रहे हैं और इस कार्य की वजह से आज हमारी संस्था का एक नई ऊँचाई छू रही है। कौशलेंद्र पटेल प्रांताध्यक्ष ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।